जावेद भाई ये बताइए कि भिवंडी की जनता ये जानना चाहती है कि राजीव गांधी फ्लाईओवर फिर से कितने दिनों में शुरू हो पाएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या शहर में बहुत ज्यादा हो चुकी है। जी हाँ, जब पहले दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बैठी थी कमिश्नर साहब के यहाँ, तो यही पहला सवाल था कि कितना टाइम लगेगा आपको। तो टाइम मतलब ऐसा कि पहले तो उसका मिस्टेक डिटेक्ट करना था। अभी जो दिख रहा है आपको सामने वो तो एक कॉज है, वो दिख रहा है, लेकिन उससे हट करके उसका स्ट्रक्चर ऑडिट कम्पल्सरी था। ऑडिट करने में बात है कि और कहाँ कहाँ वीकनेस है, क्योंकि हम एक चीज़ बनाएं और पता चला दूसरा कुछ शुरू हो जाए तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब जब एक टीम काम कर रही है, ऐसे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, तो उसका फर्ज बनता है कि पूरी चीज़ों को चेक किया जाए। ये कमिश्नर साहब ने ठीक ही किया कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑडिट करवा रहे हैं और उसमें कम से कम दो चार दिन का टाइम अभी जाने वाला है। कल भी टीम विजिट करके गई है, एनडीपी टेस्ट हम लोगों ने किया है, ब्रिज टोल करके डेप चेक किया है और कोऑर्डिनेशन में सब लोग काम कर रहे हैं बराबर। लेकिन अभी है कि ब्रिज 15 से 20 दिन कम से कम जो हमारा अंदाजा है, वी आर टारगेटेड 15 से 20 डेज। क्योंकि भिवंडी में भी त्यौहार भी आ रहे हैं सर, गणपति है, मोहर्रम के त्यौहार हैं, तो पुलिस का भी प्रेशर है कि साहब जल्दी करिए। मगर क्या है, सीमेंट का सेटिंग, सीमेंट का काम जो है वो अब टाइम टेकिंग पीरियड है, मतलब उसको हम लोग पास नहीं कर सकते। और जब रिपेयर हो रहा है तो परमानेंट अच्छी चीज़ बने ऐसा हमारा भी सोच है। इसके लिए 20 दिन कम से कम आप लोग समझ के चलते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। ब्रिज सेफ है, ब्रिज का डिज़ाइन भी सेफ हम लोगों ने चेक किया है, कुछ थोड़ा सा मेंटेनेंस पार्ट जो है उसको देखना जरूरी था, जो शायद के बराबर नहीं देखा गया। और कैसा है, अब जब कुछ हो जाता है प्रॉब्लम तो लोग उसके विषय के बारे में सोचते हैं, भाई क्या है, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। स्ट्रक्चर है 12 साल पुराना हो चुका है, इसका रिपेयर मेंटेनेंस लागू हो गया और प्रॉपर अपकीपिंग रहेगा तो बिल्कुल जल्दी कम से कम 30 से 40 साल उसको कुछ होना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट डॉक्टर बम्बोले जो VJTI के प्रोफेसर हमारे साथ काम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका भी ये बोलना है कि भाई मेंटेनेंस में कहीं तो भी कम ज़्यादा हुआ, बट किसको ब्लेम नहीं करते, अपने शहर का मसला कहीं ना कहीं हेल्थी व्हीकल्स का मूवमेंट ज़्यादा हो चुका है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बात घूम फिर करके फिर वही मेंटेनेंस के ऊपर आती है। जैसे अभी आपने देखा छोटे छोटे खड्डे वगैरह दिखा रहा हूँ, इसको टाइमली अगर रिसीव कर दिया जाए, उसके जो ड्रेन पाइप से वो क्लियर रहे, पानी का रुकना, पानी जो है कंक्रीट या सीमेंट के लिए दुश्मन होता है, उसका रुकना अच्छी चीज़ नहीं है। मेजरली यही समझ में आ रहा है कि पानी के रुकने की वजह से, और रिपेयर करने का जो तरीका था वो एट पार नहीं था जैसा होना चाहिए टेक्निकल, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। टेक्निकली कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसकी लाइफ एक होती है, लेकिन उसके बीच में जो उसका प्रॉब्लम आता है उसको वही दम सही किया जाता है, जैसे कि घुड़बंदर के बीच का हुआ था, सही हो गया, तो मेंटेनेंस के पार्ट पर ध्यान देना पड़ेगा।